एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है वात रोगों के लिए, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है पित्त रोगों के लिए, एसिडिटी के लिए, वो तो और ज्यादा जो दवाई देते हैं सिंथेटिक और जहर खिलाते, कैसे ठीक हो जाएंगे आप? हम तो 10 विकल्प बताते हैं एक एक बीमारी के लिए। तो आप लौकी का जूस ले लो, एलोवेरा पी लो, सौंफ का पानी पी लो, मुलाठी का पानी पी लो, आप अपने आहार में थोड़ा परिवर्तन कर लो, सुबह सुबह अनार या सेव खा लो, अंकुरित ले लो, उसी से एसिडिटी आपकी ठीक हो जाएगी। आप अभिपत्ति करचूर्ण मुक्ता शक्ति ले लो, मुक्ता शक्ति काम दूधा मोती पिष्टि ले लो, लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, वीट ग्रास मिला करके पी लो, अथवा रेडीमेड में एसिडोग्रीट और लिवोग्रीट सुबह शाम, और ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लो, मात्र एलोवेरा का ही जूस पी लो, उसी से एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अंदर घाव भी हो गए तो उसमें थोड़ा सा हनी डाल करके पी लो, आधी चम्मच हनी अंदर के घावों को भी भर देता है, हनी मुलेठी ये सब। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है स्किन रोगों के लिए, और हमारे पास में 100% क्योर है सोराइसिस का, एक्जिमा का, लिकोडर्मा का, 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में और पूरा शरीर सफेद हो गया है। तो 9 माह में पूरा सफेद शरीर भी उसका नॉर्मल कलर लौट आता है, व्हाइट पैचेस, सफेद दाग, पूरी ठीक। एलोपैथी में लीवर के लिए, किडनी के लिए तो कोई दवाई है नहीं। डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट बहुत लौटते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए कोई दवाई नहीं। संतति सुधा यौवनामृत यौवन ग्रीट 100% समाधान है इनफर्टिलिटी का, पंचकर्म षटकर्म और करवा देते हैं, बस्ती के साथ उत्तर बस्ती।